अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी रुद्र के एडमिशन के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किस तरह करना है और किन किन प्रोग्राम्स के अंदर जो है एडमिशन इनके ओपन हुए हैं और जो उसकी लास्ट डेट है वो क्या है। इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे और इसके बारे में एडमिशन के बारे में जो भी डिटेल्स है, मतलब आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है स्टेप बाई स्टेप जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखनी है और अगर आप मतलब इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो कम्प्लीट देखना होगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर से। सबसे पहले तो बल्कि फीस स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको इनका दिखाना चाहता हूँ इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दोनों के अंदर जो है एडमिशन इनके ओपन हुए हैं। तो इसके जो प्रोग्राम्स के हमारे पास लिस्ट है, देखिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस BCS 4 साल का, ठीक है। ये इसमें आता है फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। बैचलर साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। BSc इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, BSc फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया, ठीक है। ये सारे BS प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं और जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप उसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए भी हैं और प्री मेडिकल वालों को भी हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगता हो, जो भी आपकी चॉइस हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर क्लिक किया, तो इसके बारे में देखिए हम बता रहे हैं कि हमें मतलब इसमें जो इसकी जो आउटलाइन है वो हमें यहाँ पर बता देगी कि मतलब आपको कितने आपके क्रेडिट आवर्स होंगे और इसमें जो कैटेगरी है वो क्या है, ठीक है। मतलब आपको फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा, जनरल कोर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें, और अगर आप मतलब आप इस कोर्स की अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। और देखें यहाँ पे मतलब सेमेस्टर के हिसाब से ना बताया कि हम आपको पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, दूसरे में क्या पढ़ाएंगे, थर्ड में क्या पढ़ाएंगे। तो इसकी यहाँ पर हमारे पास जो जो कम्प्लीट डिटेल है हमारे पास वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फीस स्ट्रक्चर, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जो तमाम के तमाम जो हमारे पास डिपार्टमेंट से उनकी हमारे पास यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फी हमें टोटल बताई है, हमें जो है हमारे मतलब 4 सालों की फीस इन्होंने इकट्ठी करके बताई है। मतलब हमारे यहाँ पे एडमिशन फीस यहाँ पे बता रहे कि 25,000 होगी, ठीक है। और फी पर क्रेडिट और यहाँ पे मतलब बता रहा है कि 10,000 है हमारे पास, ठीक है। टोटल नंबर क्रेडिट हम और हमारे पास यहाँ पे 133 है। तो इनको इन्होंने टोटल जमा करके आपका जो 4 साल का जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपने इन्होंने जो है वो यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम प्रोग्राम्स जो है उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। तो आप यहाँ से जो है अपना देख सकते हैं, मतलब आपने जिसमें भी एडमिशन लेना है उसकी फ़ी वगैरह क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे PhD वालों के लिए भी है, BS वालों के लिए भी है, MSc मतलब जो भी होती है उन सब की जो है फीस स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ से डिटेल के साथ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अप्लाई ऑनलाइन आपने किस तरह करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर जाते हैं और एडमिशन का जो हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन का तरीका देखें, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि हाउ टू अप्लाई। अब मैंने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कि स्टेप बाय स्टेप की। सबसे पहले आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर विजिट करें, ठीक है। उसके बाद आप आफ्टर डिसाइडिंग द प्रोग्राम, मतलब जब आप अपना जो है प्रोग्राम डिसाइड कर लें कि आपने अप्लाई किस में करना है, फिर आप मतलब इस वेबसाइट पर जाके मतलब क्लिक करने के बाद आप उसमें अप्लाई करें और जो सारा का सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। और जो पेमेंट है आपकी वो बैंक के थ्रू भी ली जा सकती है और एडमिशन फॉर्म कैन भी सबमिट ऑनलाइन, मतलब आपको जो एडमिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है, ठीक है। देन आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी, मतलब जो लोग इनके जो मेरिट पे पूरा उतरेंगे, ठीक है, उनको जो है उनको ईमेल या SMS के थ्रू जो है वो नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ड्यूज विद इन डेडलाइन, मतलब डेडलाइन से पहले पहले उनको जो है अपने तमाम के तमाम ड्यूज जो है वो क्लियर करने होंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अब तो अगर आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं वो करें, अगर आप जो एडमिशन कार्ड है जो है इसकी वो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी जो एडमिशन कार्ड है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह की एक थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमारे पास जो है इसका जो मेन पेज है वो ओपन होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद हम जो है इसमें अप्लाई करने के काबिल होंगे, ठीक है। तभी मैं आपको बता दूँ कि आपने इसमें जो रजिस्टर वो किस तरह करना। देखिए जी, रजिस्टर करने के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पर समझा रहा हूँ, मतलब आपने यहाँ पे सिंपल क्रिएट एन अकाउंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है अपना कंप्लीट नेम लिखना है, जो भी आपका कंप्लीट नेम है, ठीक है, जो भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो है अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है।
मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे जो है आपने ईमेल लिखनी है, जो भी ईमेल जो है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सिस्टम मतलब यूज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। और आईडी कार्ड नहीं तो आप पे फॉर्म नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने सर लिखना है, और आपने इसमें जो है डैशेज ज़रूर डालनी है, कि यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि आपने मतलब डैशेज के साथ ही अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। तो उस तरह आईडी कार्ड नंबर लिख लिया मैंने सिंपल, मैं यहाँ पे इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो इसको आप ओके कर दें, और इस तरह करके जो है आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सिंपल मेरा जो है अकाउंट बन चुका है, यहाँ पे इनके एसएमएस भी आ चुके हैं, थैंक यू यू आर रिसीव योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाई एसएमएस एंड ईमेल, सिंपल लॉग इन टू स्टार्ट, ठीक है। आपको ईमेल के थ्रू आपके यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो देखिए मेरे पास ये एक जो ईमेल है इनकी तरफ से वो आ चुकी है, यहाँ पे देखें जो इन्होंने मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड ये मुझे दिया हुआ है। मैंने सिंपल जहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे जब भी आपके सामने डेस्कटॉप मौजूद होगा वहाँ पे जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, और डाल के जो है मैं लॉगिन कर सकूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब इसमें लॉगिन करने के बाद अगर हम इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो फैसिलिटी नहीं है, हम यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन जो है हमने वो इसका फॉर्म वो फिल करना है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये हमारे पास फॉर्म मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे तीन स्टेप बने हुए, सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, सेकंड स्टेप में आपके पास जो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी, थर्ड में हमारे पास प्रोग्राम प्रेफरेंस होगी, ठीक है। और फोर्थ में हमारे पास स्कॉलरशिप के बारे में पूछा जाएगा, फिफ्थ में हमसे जो फाइनल सबमिशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे जो नाम आईडी कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपने जो है जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है मतलब आपका मज़हब कौन सा है, यहाँ पे आपने जो अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपने अगर डुअल नेशनलिटी है तो वो बतानी है। यहाँ पर आपने जो अपना एक अपनी तस्वीर लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट की तस्वीर आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, और इस जगह पे आपने जो है बैक भी जो मतलब आईडी कार्ड की जो बैक की अपनी वो तस्वीर पेस्ट करनी है, ठीक है। और देन हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे अपने जो ईमेल मतलब मेलिंग एड्रेस अगर आपको कोई मेल वगैरह की जाए पोस्ट की जाए तो आपको वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ पे मेलिंग सिटी के बारे में बताया मतलब आप किस सिटी में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके घर का एड्रेस है, ठीक है। परमानेंट सिटी का बताना है आपने, परमानेंट सिटी आपका कौन सा है, ठीक है। एंड पेरेंट गार्डियन जो भी है डिटेल उनके बारे में बताने हैं, अपने फादर साहब का नाम लिखें, फादर साहब का आईडी कार्ड लिखें, और अपने अब्बू का मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पे अपने मम्मी का नेम लिखें, अपनी जो अपने मम्मी का नेम लिखें, अपना गार्डियन नेम लिखें, ठीक है। अगर आप अब्बू के अलावा और है तो, ठीक है। एंड यहाँ पे गार्डियन मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे गार्डियन मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे अपने जो है फी पेयर डिटेल लिखने, ठीक है। प्रेजेंट डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल पेइंग योर फी, मतलब फ़ी पे नेम मतलब कौन बंदा जो है आपकी फ़ी पे कर रहा है, जो बंदा आपकी फ़ी पे करेगा उसका अपने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने फिल करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर टू में हमसे हमारी क्वालिफिकेशन पूछी गई है, मतलब आपने अगर FSC की है, प्री इंजीनियरिंग की है, कौन सी की है, मतलब जो भी आपने की है आपने वो यहाँ पे बतानी है, ठीक है। वो लेवल है आपका ए लेवल है, FSC है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट बताने अगर आपकी थी तो मतलब कौन कौन सब्जेक्ट थे, बायोलॉजी थी, सेकेंड सब्जेक्ट में केमिस्ट्री कर लें, ठीक है, थर्ड में फिजिक्स कर लें, ठीक है। एंड यहाँ पर रिजल्ट का बताएँ, रिजल्ट का आपने बताना है कि आपका रिजल्ट आ चुका है कि आप मतलब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। अगर आप वेटिंग कर रहे हैं तो वेटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड लिखे मतलब आपने किस बोर्ड से जो है अपना जो टेस्ट दिया है, मतलब पेपर दिए FSC के, ठीक है। ईयर लिखे मतलब किस साल आपने स्टार्ट की थी FSC और कब आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2018 में स्टार्ट की, 2020 में कंप्लीट हुई, 19 में स्टार्ट की, 21 में कंप्लीट हुई, इस तरह, ठीक है। CGPA मार्क्स जो भी था आपका, मतलब मार्क्स थे FSC के, तो ऑब्टेन मार्क्स मतलब आपके FSC में कितने मार्क्स थे और टोटल नंबर कितने थे, ठीक है। और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखें FSC का, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपने अपना जो एकेडमिक वो है ये फॉर्म जो है आपने ये फिल करना है, ठीक है जी। तो हमसे यहाँ पे जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स पूछेंगे वो दो टाइप के पूछेंगे, मतलब आपने अपनी जो दो एकेडमिक क्वालिफिकेशन था वो बतानी है, मतलब हम जिसमें स्टार्ट कर सकते हैं मैट्रिक से, ठीक है। पहले अपने मैट्रिक का बता देना, ठीक है। जो रिजल्ट का सेट बताएं, मतलब आपका जो रिजल्ट मतलब मैट्रिक का 2000 से बात आ चुका होगा, ठीक है। अब बोर्ड का आप सेलेक्ट करें, जो भी आपका बोर्ड, ठीक है। आप ईयर स्टार्ट करें, कब अपने मैट्रिक स्टार्ट की, यहाँ पर लिखना कब एंड की, यहाँ पर अपने टोटल मतलब आपके कितने नंबर है मैट्रिक में वो लिखना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर लिखेंगे आप, उसके बाद अपने चीज़ को देखें, इस पेज को थोड़ा सा इस तरह करके देखें, यहाँ पे अपने रोल नंबर वगैरह लिखेंगे, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद हम फिर अपने जो FSC की जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो भी मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ।
ये देखें यहाँ पे जो मैंने अपने मैट्रिक का स्टेटस था वो मैंने यहाँ पे इनकम पास मतलब शो हो गया था, मतलब मैट्रिक 2016 से 18 में कि मेरे इतने मार्क्स आए। ठीक है, हमसे वो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अब आपकी जो रोल नंबर स्लिप थी मैट्रिक की आपने वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, और अपलोड करने के बाद जो है आपने यहाँ पे एक तस्वीर जो है रिजल्ट कार्ड की, जो आपका रिजल्ट कार्ड था मैट्रिक का, वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, ये दो चीज़ अपलोड करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो एफ एस सी की जो रिक्वायरमेंट्स अपने हमने वो बताने की, मतलब एफ एस सी मतलब कौन सी की, फ्री इंजीनियरिंग की। ठीक है, फिर इसकी सब्जेक्ट वगैरह लिखनी है। ठीक है, तो भी मैं आपको बताता हूँ आपने इसमें नेक्स्ट क्या करना है। जी, तो हमारे पास ये हमारा जो थर्ड स्टेप है, इसमें हमने जो प्रोग्राम प्रेफरेंस है उसको हमने सेलेक्ट करना है। मतलब आपने बताना है कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, और मतलब आपने यहाँ पे तीन किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं, तीन प्रोग्राम जो हैं आपने वो सेलेक्ट करने हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मतलब तीनों में से किसी एक में मेरा नाम आ जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ BSc सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे BS केमिस्ट्री कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे BS मैथमेटिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे इन तीनों में से मुझे एक मतलब चाहिए। ठीक है, ये आपने मतलब यहाँ पे तीन सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपकी चॉइस हो, जिसमें भी आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसे भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल सेव इंडेक्स कर सकते हैं। तो नंबर फोर पे हमारे पास यहाँ पे स्कॉलरशिप का हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं PGC, ठीक है, प्रीवियस इंस्टीट्यूट अटेंडेड, जो भी आप अगर आप ले रहे हैं कोई प्रीवियस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, उसका आप नंबर वगैरह हमें लिखें, और अगर आप ऐसी यूनिट बेस्ड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने फादर साहब का पेशन लिखें। ठीक है, उनका जो जॉब स्टेटस है वो लिखेंगे, फादर साहब मंथली इनकम लिखेंगे। ठीक है, इसलिए अपना जो है रेजिडेंस स्टेटस लिखेंगे। ठीक है, मतलब आप कहाँ पे रहते हैं और जो है आपकी टोटल नंबर कितने हैं फैमिली मेम्बर्स के। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे लिखें, अदरवाइज आप उसको खाली स्किप छोड़ दें। ठीक है, उसका आप सेव एंड नेक्स्ट कर दें। और देखिए, अब जो भी मैंने इनको इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने तो बस एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसमें कुछ भी ठीक नहीं था। ठीक है, तो ये मेरे मतलब सारे का सारा जो मैंने दिया था यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे, और ये सारा कुछ देख लिया, मतलब जो भी आपने इसके ऊपर लिखा, ठीक है, आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अच्छी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में भी आप देख सकते हैं, और अपने मतलब बताएं आपने यहाँ पे मतलब किस तरह पता लगा UCP का, मतलब यूनिवर्सिटी का आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगा, या जिस तरह भी आपको पता लगा। ठीक है, अदर्स में चेक जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सिम्बल क्या करना है, यहाँ पे करना है कि बाय सबमिटिंग दी मतलब फॉर्म, मतलब मैं सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म, और जो भी कुछ मैंने बताया वो सब कुछ सच्चा ये वो, मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करें, तो देखें जो आपका एडमिशन UCP.edu मतलब आपका जो एडमिशन है वो सबमिट हो चुका है। और अब इसके जो आप अगर इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो इसका जो चालान फॉर्म की है, जो पेमेंट वगैरह है, अगर आप मतलब जो चालान पे करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद तो आप इसका जो डाउनलोड चालान फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चालान फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, आप किसी भी बैंक मतलब किसी भी आप बैंक में जाके जो इसका चालान फॉर्म है वो पे कर सकते हैं। और जो चालान फॉर्म पे करने का तरीका है इसका, मतलब यहाँ पे देखें आपको जो चालान फॉर्म है, उम्र सौ रुपये कार्ड नंबर वगैरह लिखा हुआ, ये 1500 रुपये का चालान फॉर्म है, ये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी जो एक कॉपी आप अपने पास रखनी है, एक कॉपी जो है बैंक वाले रख लेते हैं, और एक कॉपी जो आपको एडमिशन फॉर्म आपके जो मतलब अपने पास रखनी है। ठीक है, जब आप टेस्ट वगैरह देने जाएंगे तो आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप इसका जो चालान फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, तो आप चालान है ऑनलाइन फॉर्म, अगर हम उसके जो ऑनलाइन हम पे करना चाहते हैं तो मैंने सिंपल ऑनलाइन पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल जो है कोई भी अभी बैंक मेट्रो बैंक जो भी आपका बैंक है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ जो है इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसका वीडियो डेमो देख सकते हैं, मतलब आपने चालान फॉर्म है वो पे किस तरह करना है। ठीक है, यहाँ से आप डेमो देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो है चालान पे करने का, आप इसको इजी पैसे के थ्रू भी पे कर सकते हैं। मैं इजी पैसे पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इंटर जो चालान नंबर लिखेंगे आप, जो चालान आपका नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना मतलब फैच यहाँ पर नेम लिखें, बिलिंग अमाउंट लिखें, ठीक है, ड्यू डेट मतलब कंपनी नेम जो भी आपको लिखें। ठीक है, और सिंपल आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास नंबर स्टेप है, स्टेप नंबर 3 है हमारे पास लेटर फॉर एडमिशन, टेस्ट इंटरव्यू का जो भी लेटर होगा वो आपका बाद में ही आता है। ठीक है, तो अभी आपका वो नहीं आएगा, पहले आपको जिसके बैंक का चालान फॉर्म वो पे करना पड़ेगा। जब आप वो पे कर लेंगे और आपका टेस्ट लेटर इंटरव्यू वगैरह की कॉल आएगी, ठीक है, तो आपने स्टेप नंबर 3 भी क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट लेटर, यहाँ पे एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर वगैरह जो भी आपको पास आएगा। ठीक है, या फिर आप अपने जो अपना जो बैंक का चालान है वो आपने यहाँ पे जो है वो पेश करना होगा। ठीक है, तो इस तरह करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अब अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और सबसे लास्ट बात, मतलब इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है हमारे पास, वो 25 अक्टूबर 2021 है। तो आपने जो है वो 25 अक्टूबर से पहले पहले इसमें अप्लाई कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।